गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल ऑटोमैनिक द मैकेनिकल क्लब। टुडे आवर टॉपिक इज़ क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है आपने देखा है। क्लोज्ड कॉइल की अगर बात होती है तो ये जो कॉइल्स होते हैं इसके स्प्रिंग के पास पास होते हैं, ठीक है। ओपन कॉइल में क्या होता है, वो आपका कंप्रेशन के लिए बने होते हैं, मतलब पहले से उनके बीच में गैप होता है कॉइल के बीच में, और क्लोज्ड कॉइल में गैप कम होता है, वो पास पास होते हैं, ठीक है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि ये टेंशन के लिए बने हुए हैं और वो कंप्रेशन के लिए, ओपन कॉइल कंप्रेशन के लिए, और ये बने हैं टेंशन के लिए, ठीक है। मतलब ये टेंशन बियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन मेन है, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है फॉर्मूला याद रखने में। तो अगर आप इसकी डेरिवेशन को अच्छे से समझ लोगे तो फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही आसान रहेगा। सपोज करो कि अब मैं इसके एंड पे, स्प्रिंग के एंड पे लोड अप्लाई कर रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं इसकी तरफ लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में की तरफ अप्लाई करूँगा और इसका एक एंड फिक्स्ड है, तो सोचो कि क्या हो जाएगा, मैं इसके जो कॉइल है उसके रेडियस पे, एक लोड लगा रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर है। और जब कोई भी फोर्स या लोड लगता है किसी रेडियस के परपेंडिकुलर, तो उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्क। और इसका वन एंड फिक्स है, तो इससे क्या होगी, आप खुद सोच सकते हो कि टॉर्शन क्या करती है, बेंडिंग करती है, ठीक है। तो इससे ये जो है नीचे की तरफ ऐसे बेंड होगा, आप देख सकते हो ऐसे बेंड होगा, ठीक है। और ये एंगल कितना बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे थीटा, तो मतलब ये थीटा एंगल की तरफ नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है। और ये है आपका आर, ठीक है, क्लोज्ड कॉइल का, ये जो कॉइल है उसका रेडियस, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपको ये निकालना है, आर की लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, थीटा इंटू आर, पता है आपको ये चीज़, ठीक है, सिंपल रहेगा, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, आपने छोटी और क्लासेस में पढ़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये होगी डिफ्लेक्शन, इसकी स्प्रिंग की डिफ्लेक्शन, ये जो आर्क लेंथ है यही स्प्रिंग की क्या होगी, डिफ्लेक्शन। स्प्रिंग कितना बैंड होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू थीटा इंटू डी बाई टू, इस रेडियस को मैंने डी बाई टू लिख दिया। और याद रखना ये कैपिटल डी है, ये डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कोयल है, ठीक है ना, जो स्प्रिंग का कोयल है उसका डायमीटर है, ठीक है ना, ये वायर का डायमीटर नहीं है, स्प्रिंग कोयल का डायमीटर है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको याद रखना, इस रिलेशन को अभी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो स्मॉल डी होता है इसका मतलब होता है डायमीटर वायर, ठीक है ना, स्प्रिंग वायर का जो डायमीटर है वो है ये स्मॉल डी, और एन का मतलब है नंबर ऑफ कॉइल्स, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि स्प्रिंग की, तो अगर मुझे स्प्रिंग की लेंथ निकालनी है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है। आप सोचो कि अगर एक कॉइल की आपने सर्कमफ्रेंस निकालना है तो वो क्या होता है, पाई डी, ठीक है। इसको मैं अगर हम नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दूँ, आपको पता है सिंपल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अगर उसके एक सर्कमफ्रेंस, एक कॉइल का जो सर्कमफ्रेंस है वो पाई डी होने वाला है, उसको मैं नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपकी लेंथ आ जाएगी स्प्रिंग की, ठीक है। उसके बाद देखो इसको भी हम यूज़ करेंगे, आपको याद रखना है, टॉर्क आपने जो अप्लाई किया था, जो आपने लोड अप्लाई किया, इसकी वजह से जो टॉर्क लगा है वो क्या होगा, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डी बाई टू, कैपिटल डी बाई टू, डैट विल एक्ट ऑन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कॉयल, ठीक है ना। तो उस पर एक्ट करेगा ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डब्ल्यू इंटू डी बाई टू, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, आपको पता है टॉर्शन इक्वेशन क्या होती है, टी बाई आई पी इज इक्वल टू टो बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, इसमें आई टी टॉर्क, आई पी पॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टो शेयर स्ट्रेस, आर फॉर रेडियस, यहाँ पे स्मॉल आर है, ठीक है ना। तो याद रखना ये रेडियस ऑफ स्प्रिंग वायर है, ठीक है। जी आपका मॉडुलस रिजिडिटी, थीटा एंगल कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है, कितने एंगल से, और एल आपको लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, सिंपल रहने वाला है। जस्ट आपको क्या करना है, इसके अंदर जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, टी की वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी सिंपली हमने पुट कर दिया सिंपल। और आई पी क्या होता है आपको पता है, पाई डी फोर बाई थर्टी टू, तो देखो पाई डी फोर था, नीचे थर्टी टू था, थर्टी टू ऊपर चला गया, सिंपल मैथमेटिक्स है। और आपका नीचे टू कैसे आया, ये डी बाई टू था तो आ गया। और यहाँ पे देख सकते हैं टो, हमने टो मैक्स ले लिया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और आर को मैं डी बाई टू लिख सकता हूँ, टू ऊपर चला गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी का जी लिख लिया, थीटा की जो वैल्यू थी हमने जो पीछे यहाँ पे, आप डी बाई टू को उधर ले जाओ, तो यहाँ से जो वैल्यू है ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कुछ ऐसा आ जाएगा। एल की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे लिख दी पाई डी एन, ठीक है। तो सिंपल सी सिंपल मैथमेटिक्स है, हमने जस्ट वैल्यूज पुट करी है। उसके बाद क्या करना है, इसको जस्ट कट करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड बच जाएगा एट डब्ल्यू डी बाई पाई डी फोर, यहाँ पे बच जाएगा टो मैक्स बाई डी, और यहाँ पे बच जाएगा जी जी डेल्टा पाई डी स्क्वायर बाय एन, ठीक है, सिंपल सा है बिल्कुल ये।
आप कर लेना कैलकुलेट, इसको जस्ट कट करना है, जैसे कि 2 ये 16 पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 2 2 सब में था कॉमन, तो ये 1 पे कट गया, ये 8 पे कट गया, ये भी 2 यहाँ से 1 पे कट गया, ठीक है। तो बस उसको बाकी तो आप कर ही लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो आपको एक चीज़ पता है, आपने पहले पढ़ी होगी कि स्टिफनेस क्या होता है, लोड डिवाइड बाय डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो स्टिफनेस का मतलब ये होता है कि अगर मैं लोड अप्लाई करता हूँ तो उससे डिफ्लेक्शन कितनी होती है, तो दैट्स कॉल्ड स्टिफनेस, ठीक है। लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस। अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो अगर 1 डिग्री की डिफ्लेक्शन होती है, दैट्स कॉल्ड स्टिफनेस ऑफ 1 यूनिट, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, हमने यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन थी दो, हमने इन दोनों को आप देखो इसके अंदर, ये जो यहाँ पे हमने ये दोनों निकाला है, इसको जस्ट मैंने लिख लिया ऐसे। यहाँ से क्या करने वाला हूँ मैं, स्टिफनेस का फॉर्मूला ड्राइव करने वाला हूँ, ऐसा मैंने लिख लिया। अब जस्ट मैं क्या करूँगा, डब्ल्यू बाई डेल्टा क्या होता है आपको पता है, मैंने डेल्टा को मैं साइड ले आया और ये क्या हो जाएगा, बाकी सब उधर चला जाएगा। तो ये कैंसिल होने के बाद सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करना आप यहाँ पे, डब्ल्यू बाई में डेल्टा इज इक्वल टू GD 4/8 DQ आ जाएगा, फॉर्मूला आपका ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपकी डब्ल्यू बाई में डेल्टा क्या होता है, K होता है, ठीक है। आपको पता है स्टिफनेस होता है, स्टिफनेस का फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। आप पहले पढ़ते आ रहे थे आज तक कि जो होती है स्टिफनेस नंबर ऑफ टर्न्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो आज आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे ड्राइव हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कैसे ड्राइव हुआ है ये, अगर के जो है, तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि के जो है एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो सिंपल। तो अगर आप किसी वायर को, स्प्रिंग वायर को आधा बीच में से काट दोगे तो क्या होगा, पहले मान लेते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स थी 8, अब 4 हो गई है, तो आप खुद सोच सकते हो कि नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर 4 हो जाएंगी तो स्टिफनेस क्या हो जाएगी, 8 से 4 हो गई, हाफ हो गई, तो स्टिफनेस कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है मन में कि जितनी नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होंगे उतनी स्टिफनेस ज़्यादा होगी, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने इसको लिख भी दिया है, आप देख सकते हो यहाँ से कि अगर वायर को कट कर दोगे, हाफ़ कट करोगे, सपोज करो कि अगर आपने नंबर ऑफ़ टर्न्स जो थे 3 टाइम्स कर दिए, तो स्टिफनेस पे कितना फ़र्क पड़ेगा, स्टिफनेस विल बी 1/3, ठीक है। अब एक चीज़ हमें और याद रखनी है, जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है इसकी वजह से बेंडिंग हुई है, तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर होगी स्प्रिंग वायर में, ठीक है। एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी क्योंकि एक एंड उसका फिक्स है, आप देखोगे अगर ध्यान से तो इसका एक एंड फिक्स है, तो इस वजह से क्या होगा, इसके अंदर एक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, आपको सिंपल याद रखना है, यू इज इक्वल टू 1/2 × W × Δ, ठीक है। अब क्या होता है, आपको पता है W क्या होता है, F × Δ, अभी हमने किया था, ठीक है। W का आप ऐसे लिख सकते हो लो, ठीक है, F × Δ करके, Force × Δ। देखो यहाँ पे जो F है ये यहाँ पे स्टिफनेस है, ठीक है, मैंने इसे यहाँ पे F से डिनोट कर दिया, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये स्टिफनेस है, ठीक है। तो W को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है K इज इक्वल टू W बाय में डिफ्लेक्शन था लैम्डा, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका सिंपल, यहाँ पे मैंने इसको F × Δ लिख दिया, ठीक है ना, K इज इक्वल टू W बाय में डेल्टा था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, सपोज करो कि मैंने K को F लिख दिया, तो W क्या आ जाएगा, F × Δ, ठीक है, सिंपल रहने वाला है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, यहाँ पे ये के ही है जिसको मैंने एफ से डिनोट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यू का फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 F × Δ², ठीक है। तो ये था सिंपल सी डेरिवेशन थी जो आपको याद रखने, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा आपकी, बहुत ही आसान तरीक़ों में, आसान तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।